बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं 3D गॉड ज्वेलरी। तो आज हमारे पास एक ऑर्डर का पीस आया, तो मैंने सोचा आप सबके सामने बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी समझ आए। बाकी ना कोई कमेंट्स आ रहे हैं, ना कोई शेयर आ रहा है, ना कोई शेयर कर रहा। अच्छा जी, ये हमारे पास पीस है, ठीक है। और ये हमने जो सा 5 रुपये वाला जो सा कॉइन होता है ना, उस साइज़ का बनाना है। तो 5 रुपये वाला कॉइन जो सा होता है वो होता है 24 mm का तकरीबन। वो दायरा डाला, 24 लिखा, 24 का उसने डाल दायरा डाल दिया। लेयर में डाल के इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, अब फिर उसने कस्टमर ने डिमांड की है जी कि हमें जो सा ना इसके अंदर जो सा ये गोल नग लगा हुआ है ना, इसकी जगह हमें चौरस नग चाहिए। तो हम इसको नग को चौरस कर देते हैं पहले। हाँ, चलिए ये हो गया। अभी सबसे पहले हम ये फूल देखेंगे, इसका ये फूल बना हुआ। फूल के लिए हम लेंगे जी छोटा सा सीधा सरू। इसके पॉइंट देंगे, पॉइंट दे के इसको यहाँ से ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद इसको हम टो देंगे। इसको भी सेंटर में ले आता हूँ ताकि टो देने में आसानी हो, ठीक है। इसको लेयर में डाल देते हैं, दूसरी में। मुख्तलिफ लेयर्स में काम करना है। इसको हम बेंड करेंगे, थोड़ा सा बेंड है, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर उठा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे, क्योंकि ये कॉर्नर में थोड़ा सा इसका ये नीचे गया हुआ है, ठीक है जी। सिंपली इसको हम थोड़ा सा करते हैं साइड व्यू में जाके, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद हम इसको पैच लगाते हैं। ये देखें, ये टो आ गई है इसकी, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, पकड़ के इसको ऐसे नीचे लगाते हैं। इसको बिना काट के छोटा कर लेते हैं तस्वीर को ताकि हमें सही नज़र आए चीज़ें। इसको यहाँ से पकड़ा, इसको पकड़ा, कैंची ली, काट दिया। हमारे पास अभी ये आ गया, इसको ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर ISR कर्व लेते हैं। इसका ISR कर, यहाँ से हम इसकी लेयर को चेंज करते हैं क्योंकि उसने टेक्सचर दिया हुआ जस्ट। ठीक है, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट करते हैं। अनसेलेक्ट करने के बाद इसको मिरर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें, तारे लगे हुए हैं। उसने इसको लेयर में आते हैं, लेयर में आके पाइप देते हैं। डायमीटर इसको ख़त्म करते हैं 0.25, ठीक है जी। ये आ गया हमारा इस तरह का पीस बन गया, ठीक है। अभी इसकी पत्तियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पत्तियाँ। हमारे पास वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कुछ ऐड किया जा सकता है वज़न का। ठीक है, इसको हम F6 मैन्यूअल दबाते हैं। F6 वही व्हील दबाते हैं तो ये आ जाता है। इसकी ये चाबी को ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये बंद रहेगा, ऐसे करेंगे तो ये
इधर ही रहेगा, मैं इधर ही सेट रखता हूँ इसको। स्प्लिट विद आई एस ओ आर कर लेते हैं, स्प्लिट विद आई एस ओ आर करके इसको काटते हैं। अच्छा जी, ये नहीं इस वक्त कमांड इसकी चल रही है, तो सिंपली सी बात है, इसके इसके अंदर ऐसे लगाते हैं जी, सीधा कर्व कर्व को पकड़ते हैं, इसको काट देते हैं। फाइव का गेज दे देते हैं इसको, यूटिलिटीज में जाके इसको सेंटर मार देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए खुद ही। इसका ये वाला जो सा पीस पार्ट है ना, इसको हाइड कर देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम इसको लगा लेंगे। अच्छा, ये ना उसने थोड़ा सा काटा हुआ है, देख रहे हैं, यानी कि अंदर मर्ज किया हुआ। हम भी इसी को इसी तरह अंदर मर्ज करेंगे जिस तरह वो वाला अंदर मर्ज है। 5 का एरा लगाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये फूल हमारा जो सा ना बड़ा, उसका छोटा, तो थोड़ा सा और अंदर कर देते हैं ताकि और छोटा हो जाए। और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये बन गया जी हमारा। अब हमने इसको इसकी सीध है जी, कोई भी लग जाए सीध, कोई इशू नहीं है, ये बन गया इसका। ये है, अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 6 का एरा लगेगा, ठीक है जी, 6 का एरा लगाते हैं। ये हमारा 6 का एरा लग गया, ये था हमारा हिस्ट्री वाला पीस। इसको ग्रुप करते हैं कंट्रोल क्यू से, कंट्रोल क्यू से ग्रुप करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे टो में करते हैं, सारे टो में हो जाएंगे, सारे जितने भी हैं, ये बेसिकली टो में ही बना हुआ पीस। अच्छा, अब ये हमारा ये हो गया, इसके आगे बॉल लगे हुए हैं गोल, इसकी ये विथ में, पंजाबी का लफ्ज़ है विथ, ठीक है जी। इसको फिर हम काटते हैं ISOR से, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता, ये कट जाएगा जी ISOR से। ये नीचे वाले को डिलीट करते हैं, ऊपर वाला रखते हैं पास अपने, और इसको इसकी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा सेट करते हैं यहाँ से ताकि फिट हो जाए ये। अच्छा जी, ये हमारी विथ थी, इसको 0.25 का गेज दे देते हैं, इसको भी नीचे लेके आते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि वो वाली शेप आ जाए, ठीक है जी। यहाँ पे लगा भाई इसको, अब ये हो गया। अच्छा, ये वाली जो थी ना, इसकी गोली छोटी है लेकिन हमने थोड़ी सी बड़ी रखी है ताकि, क्योंकि हमारे पास वजन ज़्यादा है। अच्छा, अब ये पीस रह गया जी इसका, बस इसका ये पीस रह गया, तो अब इसका ये पीस हम बनाते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको मिलाना नहीं होता साथ में ऐसे,
स्प्लिट करना होता है पॉइंट के साथ। ये पॉइंट यहाँ से भी काट दें और इसको यहाँ से भी काट दें। ये कट गया, ये यहाँ से भी कट गया। ठीक है जी, इसको पॉइंट देते हैं 15 पॉइंट, 12 पॉइंट कह रहा है, वो कम से कम होने चाहिए। हम जो है ना कम है, और इसका जो सा पेट है वो थोड़ा बड़ा। यहाँ से अभी हम इसको सेट करके लाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये हमारा सेट होके क्या साइज पूरा आता। नहीं हमारा साइज पूरा, इसलिए सर इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। अच्छा, उसका फिर ये हल है कि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यही था ना हिस्ट्री वाला पीस, तो इसलिए हम इसको ही छेड़ेंगे जब भी छेड़ेंगे। और यहाँ से था ये वाला हमारा हिस्ट्री का पीस, यहाँ से ये हो गया सेट। इसको इधर ले आते हैं, ये अच्छा। इसको हम दोबारा जो है ना थोड़ा सा ट्रांसफार्मर करते हैं, सरफेस अक्सर भाइयों को नहीं आती होगी बनानी। ठीक है, काफी वो आती भी होगी। इसको उसने रंगों की लाइन दी हुई है। यहाँ से हम मिल ग्रेन करते हैं, मिल ग्रेन करके इसको पूरा कर लेते हैं। 100, यहाँ से भी 100। इसकी स्पेसिंग को सेट करते हैं, ये इसकी स्पेसिंग सेट हो गई। यहाँ से ठीक है जी, ये आगे रवे के बाद सरफेस है। इसको किसी और लेयर में डालते हैं। ठहर क्या ना यार। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक मिली ये हमने इसके दिए हैं। इसको तार देते हैं 1 mm की। इसको यहाँ से पॉइंट देते हैं, यहाँ से सॉलिड, यहाँ से। अच्छा, ये अनवेलिड आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि कोई जुड़ा हुआ पीस है। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके फिर इसको वाइप देते हैं। ये राउंड देंगे इसकी कैप को 0.65, ये आ गया। इसने क्योंकि छलाई हो जाना है, इसलिए इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसकी प्लेन पत्ती बनाई जाए। इसने छलाई हो जाना, छलाई होकर इसने यही शक्ल बन जाना। अच्छा जी, अब ये आ गया।
ये भी टो में लगा हुआ। इसका ये इसको अनग्रुप करें, अनग्रुप किया, अनग्रुप करके इसको यहाँ से मिला दें इसको। अब इसकी ये और ये चीज़ें साथ मिल गई हैं। अच्छा, इसकी जो सी ये वाली तार है इसको भी गेज देना पड़ता है 0.4। गेज दे दिया हमने इसका 0.4। इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं वायर ताकि प्रिंटिंग में कोई इशू ना हो। अच्छा जी, इसको हमने अब ग्रुप कर लिया। ग्रुप करके इसको ये वाला टूल से हमने इसको सेट करना है यहाँ पे। ठीक है जी, साइड व्यू में जाके थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसको, नीचे ले जाएंगे ऐसे। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे खींच के डिज़ाइन शो हो, बस वही वाला जो सा वहाँ पे है। इसको 6 गहरा ही लगेगा आई थिंक। ये देखें, ये जगह हमारी होगी फिल, हमारा ये वो वाला पीस बन गया। ठीक है, अब हम अगर इसका वज़न उन्होंने कम कहा होता तो फिर इसकी सिचुएशन और होनी थी बनने की, क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा है हमारे पास तो हम इसका कोई भी कर सकते हैं। पहले ही आपने मुख्तलिफ लेयर्स में काम करना। अच्छा जी, ये गोल खोप भी आ गई, ये भी आ गई, अब ये रह गई है। ठीक है जी, इसका डिज़ाइन बना हुआ, इसका डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है कि ये छोटी सी हम आर्क लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको गेज देंगे 0.25 का। ठीक है, 0.25 का दे दिया, बंद है। हम वही लेते हैं, सॉलिड ही लेते हैं, सॉलिड सॉलिड ले गए यहाँ पे। इसको 3 mm का बना लेते हैं। 3 mm का तो बहुत बड़ा बन गया, ये डायमीटर कर लेना यहाँ से। ठीक है जी, 3, ये देखें 3 mm। इसको फिर वैसे ही आई है सोआर से काट काट लेना, ये काट लिया, ये नीचे वाला डिलीट कर दिया। यहाँ से अब मैं आई एस ओआर कर्व लेता हूँ इसका, ये वाला ए टूगल किया, ये एक आ गया हमारा कर्व। ठीक है, इसको इसकी लेयर को यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि आपको नज़र सही आए। अच्छा जी, ये टाल दी हुई है उसने और बीच में एक खोप रखी हुई है। इसको हम 2.5 का गेज दिया, एरा लगाया, 12 का एरा लगा दिया, 12 का एरा कम है, 18 का एरा लगा देते हैं ताकि साथ साथ मिल जाए। ये हो गया। फिर इसने इसके ऊपर भी एक रखी हुई है खोप छोटी सी। सॉलिड में जाते हैं, सॉलिड में जाके 1.125 का लगाते हैं। ये इसके सेंटर में आ गए, यहाँ से उठाते हैं ऊपर। देखें, यही बनी हुई है शक्ल जो नज़र आ रही है मुझे। ये इसको ग्रुप किया, इसको किसी और लेयर में डाला,
लेयर में डाल के इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। इसको यहाँ पे ला के टिल्ट कर लेते हैं इस तरह इसकी लोकेशन आ रही है। यहाँ से इसके पॉइंट्स बंद करते हैं। अच्छा ये अब दूर है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। इसको ऐसे ऊपर करते हैं, साथ मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज हो गया इसके साथ, ये मर्ज हो गया। तो अब इसका हम जो सारा एरा मारेंगे, थोड़ा सा और अंदर करते हैं और एरा लिया, एरा ज़्यादा लग गया हमारा, हमने 6 का ही लगाना है, 6, ये हमारा 6 का एरा लग गया। अच्छा जी, उसके बाद भी उसने ना बाहर भी दिए हुए हैं खोपे, खोप कहते हैं हम इसको मजाम्बी में। ये 1.250, ये इसके ये पॉइंट्स बंद करता हूँ, इसको इसके साथ लाता हूँ। इसको नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ से इसको मैंने मिरर किया, ये साथ जुड़ गया, साथ अगर नहीं जुड़ा तो इसको टेढ़ा कर लें थोड़ा सा, ऐसे साथ मिला लें, इन दोनों को पकड़ें। करने के बाद इसको क्या कहते हैं, 6 का दोबारा एरा लगा लें। अच्छा जी, 6 का एरा लगा दिया, वो भी बन गया, चढ़ाई वाली ये भी बन गई, अंदर वाली खोप भी बन गई। डिज़ाइन में इसलिए भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि ये जब गोल का एरा लगाते हैं ना तो चीज़ गोल ही बनती है, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि उसने हमें चौरस नाक का कहा था, इसलिए हम चौरस नाक ही लगाएंगे इसको। इस हिसाब से तो फिर यहाँ से सॉलिड नो कर लेना है, सॉलिड नो करके इसको यहाँ से अंदर इसके कर देना, ठीक है। ये अंदर थोड़ा सा आ रहा है, आ जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। इसको हम अब गेज देते हैं अंदर की तरफ, 0.35, ठीक है। इसको पकड़ते, अच्छा जी ये हो गया जी, ठीक है, ये गेजीज आ गए हैं इसको ना सबको। अच्छा ये तस्वीर को भी आ गया था गेजीज, इसलिए इशू कर रहा है। ये देखें, ये गेजीज आ गए हैं सबके, देख रहे हैं सबके गेजीज आ गए हैं। अब इसका भी गेज देते हैं ना। अच्छा इसको हमने गेज दिए बगैर ही इसको अनग्रुप करते हैं कंट्रोल W से, इसको पकड़ते हैं और इसको भी गेज देते हैं अंदर की तरफ। ये सब एक को दिया ना, सबको आ जाएंगे। इसको पकड़ते हैं, मेटल वेट में लेके जाते हैं। याद रहे कि जो सा तस्वीर वाला पीस है वो छोटा पीस है। अच्छा इसको नहीं आया अभी तक गेज, इसको भी हम इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमने ग्रुप किया हुआ था। इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके इसके अंदर वाली पत्तियों को पकड़ते हैं, अंदर की तरफ ही है तीर, 0.2 ही है, तो इसको गेज देते हैं, ठीक है जी। इसको भी पकड़ा, इसको भी गेज दिया, ये पकड़ा, अंदर की तरफ गेज देते हैं, इसका भी गेज आ गया।
है जी, सबके गेज आ गए हैं। ठीक है जी, इसको अब हम चेक करते हैं, चेक करके इसका गेज आ गया है। दीज ऑब्जेक्ट आर नॉट सॉलिड, ये भी अभी सॉलिड नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसका ये वाला लेते हैं और अब सामने मिरर कर देते हैं। ये 4 ग्राम का पीस आ रहा, ठीक है, इतने वजन का ही देना था। सामने बहुत शुक्रिया जी, ये इसका तरीका कार है जी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम।